हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एग्जाम के बारे में। सो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, एम्स पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है। ये आपके ऑफिशियल साइट है एम्स नर्सिंग के लिए। यहाँ पे आप पहला नोटिस देखोगे, ओपन करोगे, आपको पुरानी डेट भी मिल जाएगी और नई डेट जो है वो भी मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा है जो सेकंड पॉइंट है इसमें, कि जो रिटर्न टेस्ट है वो पहले 27 मई को होने वाला था, बट अभी वो 24 जून को होगा। तो अभी आपके एग्ज़ाम का ऑलमोस्ट 1 मंथ जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। अब डाउट आता है कि क्या एम्स नर्सिंग का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है? तो एम्स नर्सिंग का भी एग्ज़ाम आपका थोड़ा पोस्टपोन हो सकता है, आफ्टर 20 जून के आसपास हो सकता है, ये पूरे पूरे चांसेस हैं। तो नोटिफिकेशन का वेट कर सकते हैं, बट ऐसे हम 100% नहीं बोल सकते। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, और जो पैरामेडिकल वाले बच्चे हैं उनको अभी टाइम मिल गया है। तो फाइनली अब आप 1 महीने में अगर ज़ीरो से भी शुरू कर रहे हो तो आप आराम से कर लोगे। टारगेट्स पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हम वापस से शुरू करेंगे, तो आप वो देखना, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के रिगार्डिंग ही होंगे वो टारगेट, सारे चैप्टर्स में हम कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, आज शाम तक आपको अपलोड मिल जाएगी वो, ठीक है। दूसरा, नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, बट 100% अगेन नहीं है। तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना, ठीक है। अगर डेट बढ़ जाएगी आपके लिए फ़ायदा है, अगर डेट नहीं बढ़ रही तो एट द स्पॉट आप एग्ज़ाम दे पाओगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच के कि हाँ हमारा एग्ज़ाम भी पोस्टपोन होगा और पढ़ाई नहीं करेंगे, वो गलती होगी उन स्टूडेंट्स की। और जो अब पढ़ाई कर लेंगे ये ना सोच के कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, वो अच्छा कर जाएंगे। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो भी ये वो अच्छे से पढ़ चुके होंगे अभी, और बाद में वो अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी अदर डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।